हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भाई और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं फातिमा नगर अनमोल होटल पे। हमारा जो सर्वे चल रहा है इलेक्शन 2024 को लेकर, तो हम अलग अलग एरिया में सर्वे कर रहे हैं। आज हम यहां पर भी आए हैं। अब देखते हैं कि यहां की जो पब्लिक है वो इलेक्शन को लेकर क्या सोचती है, और वो जो वोट करते हैं तो क्यों वोट करते हैं, उनको लेकर उनके मन में क्या क्या सवाल हैं और उनके दिल में क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई ये चीज़ भिवंडी शहर में होनी चाहिए। चलिए जानते हैं एक एक करके। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कैसे, मतलब क्या चीज? अरे बीजेपी के राज में महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई, महंगाई की अगर मैं बात करूं तो महंगाई का नाम सुनकर आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आती है कि ये महंगा, ये महंगा, ये महंगा? देखो, सबसे पहले तो जो हमारी रोज जरूरत की चीज है, राशन, पानी, तेल, गैस, ये सब महंगा हो गया है, क्योंकि रोज की चीज है, रोज की जरूरत की चीज है। हाँ, और हमारे लिए यही अहम है, क्योंकि जो बड़े बड़े आइटम है उसकी बात अलग है। हाँ, जो हमारी जरूरत की चीज है रोज की, सबसे मेन हमारे लिए वही महंगी दिख रही है। अब अगर इनको सस्ता करना है तो क्या क्या होना चाहिए? फिर होना चाहिए विकास में, ये पलटी होना चाहिए, कार बदल पलटी होना चाहिए, दूसरी आना चाहिए। तो इस बार आपका नजरिया किसकी तरफ है, मतलब जो मौजूदा सरकार है वो या फिर कोई और? कांग्रेस की तरफ है। सर, जैसे शिक्षा हुआ, रोजगार का हुआ है, महंगाई चरम पे है, तो क्या करेगा आदमी? महंगाई एकदम चरम पे है। तो महंगाई में आपने क्या क्या देखा, ये क्या क्या महंगा हुआ है? सबसे ज्यादा रोज की जिंदगी में रेगुलर यूज होने वाली चीजें महंगी है। जैसे कि जैसे अरे राशन हुआ, गैस हुआ, सबसे मेन तो गैस हो गया, बहुत महंगा है। अरे 500 का सिलेंडर सीधे हालत खराब है, मतलब एकदम के। काम क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं हम लोग। अच्छा, आप भी रिक्शा चलाते? सब रिक्शे वाले ही है। तो क्या रिक्शे वालों को क्या चीज चाहिए? 30 रुपया किलो गैस था, आज 90 रुपया किलो। 30 किलो, 30 रुपया, और अभी 90 रुपया। अभी बीच में 76 आ गए, थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ा कम कर दे, 3 गुना से भी ज्यादा। रिक्शे वालों को एक एमपी से क्या चाहिए कि अगर जो एमपी चुनेंगे वो, तो एमपी रिक्शे वालों के लिए क्या क्या करे? आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी चाहिए शहर के अंदर रिक्शा चलाने के लिए? के अंदर क्या रिक्शा है, रोड है, क्या ट्रैफिक, हवलदारी सब जैसे ठीक ठाक रहे, बस और क्या चाहिए? मेन चीज यहाँ का मेन चीज सबसे अच्छे ज्यादा शिक्षा। चलिए, हम आपसे आपके दिल का दर्द पूछेंगे, आप बताइए कि क्या तकलीफ होती है आपको भिवंडी शहर में रहते हुए, कि आपको क्या क्या सहूलतें यहाँ पर सरकार के होते हुए नहीं मिल रही है? अरे सरकार के क्या, वो यहाँ पे जो पावर लूम अपना ये है, तो ये चलना चाहिए बराबर, बस ये चलेगा तो पूरा रोजगार लाइन पे आ जाएगा। हाँ, फिर पावर लूम ही चाहिए, पावर लूम का जो सिस्टम है वो बराबर हो जाए। पावर लूम चाहिए अपने भिवंडी में, यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जाना पड़ता है दूर, और उतनी दूर आने जाने में भी गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर पाता है, नहीं कर पाता ना, पढ़ाई नहीं दे पाते तो पढ़ाई कैसे। वही बात है, और क्या, यहाँ रहना चाहिए, सब सुविधा रहना चाहिए यहाँ पर, पावर लूम के और यूनिवर्सिटी के आप चाहते हैं। और ये अभी हॉस्पिटल का जो नईम भाई बोले, हॉस्पिटल का भी रहना चाहिए, सिविल का जमाने से नाम आ रहा है, ये इंदिरा का आया ही नहीं आज तक, इसका नंबर। रिक्शा चलाते हैं? नहीं, मैं तो मुकादमी करता। पिछले 10 सालों में आपने भिवंडी में कुछ बदलाव देखा, कुछ अच्छा कुछ बुरा? बस मैंने 10 सालों में तो यही देखा है, रोड रास्ता बना है, और क्या। 10 साल में? हाँ, और क्या, कुछ महीनों का काम है कुछ। हाँ बस, और दूसरा कुछ बदलाव नहीं देखा, दूसरा कोई बदलाव नहीं। हम वोट देते हैं तो ये इसलिए वोट देते हैं कि विकास होना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए, जो जनता परेशान है उसके दुख दर्द में हमेशा हाजिर होना चाहिए। ये तो ये ऐसा होता है या नहीं? ये ऐसा नहीं होता है, जब से रईस शेख आए हैं तब से माहौल भिवंडी का बहुत अच्छा है। ये जो इलेक्शन है वो रईस शेख का इलेक्शन नहीं, एमएलए का इलेक्शन नहीं है, ये एमपी का इलेक्शन है, जो प्रधानमंत्री बनाते हैं, जो देश चलाएगा, शहर नहीं। तो जो एमपी बनेगा वो आपके शहर के लिए क्या करे, मैं वो पूछ रहा हूँ। वो अच्छा करे, जो भी आए अच्छा करे, राहुल गांधी को हम वोट देंगे और राहुल गांधी को ही लेके आएंगे। वो आए, इस बार आप लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी बैठे? राहुल गांधी आए। साइकिल पाजिए, साइकिल चाहिए। हाँ, क्यों? चलाने के लिए। ये सही है एकदम। चाहे साइकिल हो या कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहिए अपने को इस बार। कांग्रेस पार्टी चाहिए, कांग्रेस पार्टी चाहिए, क्योंकि कैसे आएगी कांग्रेस पार्टी, कारोबार पूरा बीजेपी पूरा खा के रख दिए भाई। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को क्यों लाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी में कोई इतनी महंगाई नहीं थी भाई, महंगाई अभी है, आप भी ले रहे थे उस टाइम पे, अभी तो खाने पीने के वांदे होंगे, कारोबार पूरा बंद चल रहा है, कहाँ से करेंगे क्या?
कब से ये तकलीफें झेल रहे हैं आप लोग? बीजेपी आई है, से बीजेपी आई तब से यही माहौल है, और अगर कांग्रेस आने के बाद भी यही रहा तो? कांग्रेस ऐसा करी ही नहीं भाई, अभी तक इतने साल तक कभी कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई लेकिन कारोबार भी बढ़ाई हम लोग की। ये पॉइंट की बात है कि महंगाई बढ़ी तो कारोबार भी बढ़ाई, लेकिन सिर्फ कारोबार बंद करी महंगाई बढ़ाई, कोई कमर इसी में टूटी है, सब टूट गई है भाई। पूरा रमजान कैसे जा रहा है, लोगों से पूछो कैसे धंधा कर रहे, तो कहाँ से करेंगे भाई साहब। तो खुद ही समाजवादी से पहले से साइकिल पे चल वोट करते हैं भाई। देखो रईस शेख आना चाहिए, साइकिल से आना चाहिए, रईस शेख ऑलरेडी है। हाँ तो हमेशा एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एमपी की बात उसके आने से ना भिवंडी में कुछ सुधार आया है। एमपी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मोहल्ले का बाथरूम का मसला हुआ कम ज्यादा सुधार आया है। मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, एमएलए का इलेक्शन नहीं है ये, साइकिल आना चाहिए। हाँ मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि समाजवादी और कांग्रेस और यहाँ पे जो भी गठबंधन में है सरकार, पूरा इंडिया है वो, इंडिया का गठबंधन है, इंडियन का गठबंधन जो है, इन लोग को जिताया जाए और जोरों शोर से पार्टी बनाया जाए, मजबूत किया जाए, बीजेपी को यहाँ से हटाया जाए, कारोबार हमेशा अच्छे से चलाया जाए, भिवंडी का जो कारोबार है वो सुधरता जाए, जो जनता परेशान है गरीब में आज कमा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, वो हमेशा कांग्रेस के दौर में कमाते थे, बीजेपी के दौर में कमा नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं पुलिस वाले इधर उधर जाके हमेशा उसको टैक्स भर रहे हैं, मांग रहे हैं, गाड़ी रोकवा रहे, फाइन मार दे रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, वो घर पे आके क्या सोच रहे हैं कि पैसा नहीं मिला, पुलिस वाले मुझे पकड़ लिए। तो कांग्रेस के दौर में ऐसा नहीं था, बीजेपी के दौर में ही चल रहा है, बीजेपी के दौर में चल रहा है। बढ़िया।